आपको बता दें, रुक करते हैं अगले खबर का। आप अलीगढ़ के क्वारसी बाईपास के पास एक सर्राफा व्यापारी की हत्या का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि व्यापारी के घर में घुसकर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। गोली मार दी है सर्राफा व्यापारी की, गोली मारकर हत्या कर दी है। और परिवार वालों के अनुसार हत्या का कारण संपत्ति विवाद सामने आ रहा है। जो सर्राफा व्यापारी के परिजन हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि संपत्ति के विवाद के चलते ये इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। घर में कोहराम मचा हुआ है। सर्राफा व्यापारी की हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है और हत्या मृतक के सगे बहनोई ने की है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सर्राफा व्यापारी के परिजन हैं जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और आरोप है मृतक के सगे बहनोई ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। संपत्ति के विवाद में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से, कितनी बेरहमी से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और सर्राफा व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया है, महज संपत्ति के लालच में। सूचना मिलने पर हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है और उस पूरे मसले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संवाददाता अर्जुन देव इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अर्जुन, क्या जानकारी मिल पा रही है संपत्ति विवाद का, क्या ये पूरा मसला है? देखिए, ये अलीगढ़ के जो क्वारसी बाईपास में संजय गांधी कॉलोनी पड़ती है, वहाँ का एक मामला है। ये जो जिस व्यक्ति की गोली मारी गई है, ये व्यक्ति जो है अलीगढ़ के जो कासिमपुर पावर हाउस है उसमें ये पहले नौकरी करते थे। उसके बाद रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने यहाँ एक सर्राफ का काम खोल लिया था। जब देर रात ये अपने घर पे जा रहे थे, सभी लोगों ने, अज्ञात लोगों ने इनको गोली मार दी और गोली मार करके इनके पास जो सामान था उसको समझ से लूट करके ले गए। जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हालांकि जो सर्राफा व्यापारी के जो परिजन हैं वो आरोप सगी बहनोई पर लगा रहे हैं, तो क्या किसी तरह की आशंका के आधार पर ये बात निकलकर सामने आ रही है, शक के आधार पर ये बात निकलकर सामने आ रही है, या फिर इस पूरे घटनाक्रम को एक साजिश के तहत अंजाम दिया है इस सगी बहनोई ने? देखिए, अभी इस पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है कि आखिर ये हत्या करने वाले शख्स कौन है, क्योंकि परिजनों ने एक शक जताया है कि उनसे कुछ विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनका इस हत्याकांड में कोई हाथ रहा हो। तो लिहाजा पुलिस ने फिलहाल ये कहा है कि अब इस मामले में पहले छानबीन की जाएगी, अगर वो व्यक्ति शामिल होता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस अभी इस मामले को ये देख रही है कि आगे इस हत्या के पीछे जो अंजाम दिया गया उसके पीछे कौन लोग हैं। जी, साथ ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, हालांकि जांच करने की बात कह रहे हैं, किस आधार पर जांच की जा रही है, किन किन बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है और जांच कहां तक पहुंची? देखिए, अभी ये देर रात का मामला था तो लिहाजा पुलिस ने रात के जो पोस्टमार्टम के लिए सबको पहुंचा दिया। उसके बाद पुलिस अब प्राइमरी तौर पे अब फिलहाल छानबीन करने की बात कह रही है, लेकिन पहले पुलिस का ये पता करना है। पुलिस के पोस्टमार्टम हो जाने के बाद ही पुलिस इसमें आगे उन पहलुओं को शामिल करते हुए जांच करेगी। फिलहाल अभी पुलिस का ये कहना है कि जांच चल रही है, इसमें अभी कुछ बता पाना बहुत जल्दबाजी होगी। क्या जांच के दौरान कोई ऐसा सुराग मिल पाया है इन अज्ञात बदमाशों का, जिससे ये साफ हो पाए कि ये हत्या सगे बहनोई ने ही की है? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि अभी इस निष्कर्ष पे एकदम नहीं पहुंचा जा सकता कि हत्या के पीछे बहनोई, क्योंकि परिवार के लोगों ने आशंका जताई है। लिहाजा पुलिस इस पहलू को भी ध्यान में रखकर के जांच कर रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी फिलहाल ऐसे कोई ठोस सबूत उन्हें नहीं मिल पाए जिस वजह से सीधा आरोप उनके जो रिश्तेदार है उन पर लगाया जा सके। तो लिहाजा पुलिस का ये कहना है कि अभी जांच चल रही है, जांच में जो जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, जो आरोपी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि जांच का विषय है, संदिग्ध है पूरा मामला, हालांकि आशंका जताई है सर्राफा व्यापारी के परिजनों ने कि हत्या सगे बहनोई ने संपत्ति के करवाई है, लेकिन कोई सबूत कोई सुराग अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। कई अहम बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद से, इस घटनाक्रम के बाद से, हत्या के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तमाशे भी नहीं होगे, नहीं तमाशे भी नहीं होगे कड़े।